नमस्कार, मैं हूं रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। नागदा से मुंबई ले जाया जा रहा 4 लाख का 1500 किलो मावा नकली होने की शंका में जब्त किया गया। 2 लोडिंग वाहनों से ट्रेन में चढ़ाया जा रहा था। उज्जैन से करीब 60 किलोमीटर दूर नागदा में लगभग 3,75,000 रुपए की कीमत का मावा ट्रेन में लोडिंग होने से पहले नागदा रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। खाद्य विभाग की इस बड़ी कार्यवाही में 1500 किलो से अधिक मावे को नकली होने की शंका पर रोका गया था और फिर अधिकारियों ने सैंपलिंग की। खाद्य अधिकारी बीएस देवालिया ने बताया कि खबर लगी थी कि उन्हेल और आसपास के इलाकों से बड़ी मात्रा में मावा रेल से परिवहन कर मुंबई भेजा जा रहा है। इस पर से रविवार को खाद्य अधिकारी बसंत शर्मा के साथ 2 लोडिंग वाहनों से नागदा रेलवे स्टेशन आए मावे को जब्त किया। मावे को मुंबई ट्रेन से चढ़ने से रोक दिया गया। 2 लोडिंग वाहन क्रमांक MP13L3471 और MP07L3771 के ड्राइवरों से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने भी अब तक मावे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। मावा किस जगह से लोड किया गया था और इसका मालिक कौन है? देवालिया ने बताया कि फिलहाल मावे को जब्त किया गया है, जब तक कि इसका कोई मालिक आकर हमसे मिलकर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको बता दें कि नागदा के पास उन्हेल पूरे प्रदेश में मावे के लिए प्रसिद्ध है। कुछ दिन पहले ही खाद्य विभाग ने उन्हेल में कार्यवाही को अंजाम देकर बड़ी मात्रा में मावे को जब्त कर सैंपल लिए थे।